कांग्रेस सांसद के घर से मिले नोटों की गिनती जारी है और इस पूरे मामले पर अब बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कैश का ये पहाड़ 2000 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत गांधी परिवार तक इस कैश से तार जुड़े हैं। जल्द से जल्द इस पूरे मामले को ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये रकम आगामी चुनावों के लिए जमा की जा रही थी। छत्तीसगढ़ स्टेट के भी कई लीडर के पैसे इसमें हैं, जिसकी तहकीकात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं हमारे साथ। सर, झारखंड में कैश रिकवरी हो रही है, कांग्रेस के सांसद के घर से 200 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? 310 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है और ये अभी 10 ही कमरे खुले हैं, 10 कमरे खुलने और बाकी हैं। ये पूरा जो छत्तीसगढ़ झारखंड, इसकी जो एक लॉबी है जिसने कि पूरे राज्य को बर्बाद किया, छत्तीसगढ़ को लूट लिया, झारखंड लूटा जा रहा है, पिछले 4 साल से हम लोग बोल रहे हैं। आज ही बाबूलाल मरांडी जी का हमने बयान देखा है, वो कह रहे हैं कि ये झारखंड का जो सरकार है उसका भी पैसा है। तो इसकी जाँच अब ईडी को ले लेनी चाहिए और ये इसके तार जो है गांधी परिवार तक आएंगे। बचाव में कांग्रेस के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बिजनेसमैन हैं, उड़ीसा में भी उनका शराब का कारोबार है, उससे जुड़े हुए हैं, तो बिजनेसमैन के पास हो सकता है, इतने पैसे हो सकते हैं, इतने कैश हो सकते हैं, भारत का कानून क्या कहता है, इनकम टैक्स रूल क्या कहता है, कितने पैसे हम अपने घर पे रख सकते हैं, इसका भी तो कोई लिखत पढ़त होगा ना। ये सारे पैसे जो है उन्होंने चुनाव के लिए रख रखे हैं, झारखंड में चुनाव लड़ना है उसके लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना है। और आप देखिएगा कि ये बाद में ये पूरा जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो इसके लपेटे में आएगा, इसलिए ईडी को इसमें शामिल हो जाना चाहिए। गरीब राज्य की जनता जहां परेशान है गरीबी से, उस राज्य में एक सांसद के यहां इतना पैसा मिलना, कोई भी बैग, कोई भी अलमीरा, जहां देखे नोटों की गड्डियां, क्या मैसेज जाता है सर देश में? 1951 से लेकर आज तक कांग्रेस का इतिहास यही रहा है, कांग्रेस ने इस देश को लूटा है। उसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को न खाएंगे न खाने देंगे के कारण जो है पूरे देश की जनता उनको प्यार करती है और कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सभी इसमें संलिप्त हैं। आपको लग रहा है कि आंकड़ा और अभी आगे बढ़ेगा, रिकवरी और भी हो सकती है वहां? ये 1000 करोड़ भी चला जाए मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिले नोटों के अंबार चौंकाने वाले। आपको बताएं कि किसी बैंक के अंदर की तस्वीर नहीं बल्कि 3 स्टेट में एक सांसद के 10 ठिकानों की रेड की तस्वीर है। 156 बैग में जो कैश है वो बरामद किया गया है। कैश इतनी बड़ी संख्या में है कि मशीनें गिन नहीं पा रही हैं और उसे गिनने के लिए भुवनेश्वर से बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो बुलाई गई हैं। आखिर इतना पैसा कहां से आया? बीजेपी सवाल पूछ रही कि क्या इससे कोई चुनावों का कनेक्शन है? अब सवाल यह है कि क्या धीरज साहू के ये पैसे हैं? क्या सारे 2000 के नोट 500 और 200 में बदल दिए गए? सवाल यह है कि 2000 के नोट बदल गए तो कौन है धीरज साहू का मददगार? किसने धीरज साहू की मदद की? सवाल यह भी कि किस बैंक से धीरज साहू की सांठ गांठ है जो इतनी बड़ी संख्या में कैश रखा हुआ है? किस बैंक अफसर ने नोट बदलने में मदद की है? यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि एक लिमिट तय की गई सरकार की तरफ से 2000 के नोट बदलने के लिए, और अगर ये नोट बदल गए बिना किसी जानकारी के, बिना किसी डिटेलिंग के, तो आखिर कैसे साहू की मदद हो गई? किसने साहू की मदद की? क्या कोई बैंक का ही कर्मचारी है या कोई बैंक का अधिकारी है जो लगातार साहू की मदद कर रहा था? किस बैंक से धीरज साहू की साठगांठ है? ये बड़ा सवाल है। और ये कैश फैक्ट्री आखिर कैसे धीरज साहू ने लगा ली? इतना बड़ा कैश आखिर कैसे धीरज साहू के पास आ गया? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। बीजेपी कह रही है कि ये चुनावों के लिए इकट्ठा की गई हुई रकम है। तो कांग्रेस का कहना है कि साहू बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके कई जगह उनका शराब का कारोबार है, तो पैसा इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है।